उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद एलनगंज इलाहाबाद द्वारा टीजीटी मैथमेटिक्स जो यानी कि टीजीटी गणित का जो सिलेबस है या पाठ्यक्रम है उसमें जो हमारी वीडियोस एलटी ग्रेड की बनी हुई हैं, तो उसमें हम कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हैं क्या क्या सिलेबस हो रखा है, क्या इसमें बाकी है, यानी कि सिलेबस में कुछ मैचिंग है कुछ मैचिंग नहीं है। जैसे कि काम समय, चाल समय, चक्रवृद्धि ब्याज, कराधान, प्रारंभिक, सारा कराना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं है उसमें, था ही नहीं। स्टैटिक्स सांख्यिकी में था, स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी बंटन, सांख्यिकी आंकड़ों के आलेखीय एंड सेंट्रल प्रवृत्ति की माप, यहाँ तक का जो सिलेबस था वो एलटी में था। उसके आगे विक्षेपण की माप, ये उसमें नहीं था। जन्म एवं मृत्यु सांख्यिकी एंड सूचकांक, ये इसमें नहीं था। यानी कि इतना पोर्शन हमको उस वीडियो में बढ़ाना पड़ेगा। उसमें स्टैटिक्स की हमारे लग रहा है यूपीएल डिग्रेड मैथमेटिक्स की हमारी 5 वीडियोस उसमें पड़ी हुई हैं, तो उसमें इन इन पोर्शन पे ये इन पोर्शन पे वीडियोस बना के उसको और ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि स्टैटिक्स वाली वीडियो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद बीजगणित में करणी, बहुपद, गुणनखंड, लघु गुणक एंड ये सब इसमें नहीं था एलटी में। तो एलटी में था द्विघात समीकरण से, ठीक है, लघुत्तम, समावर्त्य, ये वगैरह उसमें कोई क्वेश्चन आया भी नहीं और था भी नहीं। युगपत समीकरण से एक आध क्वेश्चन था, सॉल्यूशन वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो मतलब वो सिलेबस में था वहाँ पे, यानी कि उसके कितने हल होते हैं, तो वहाँ से मान लीजिएगा 1 घात 3 घात के युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण के गुणनखंड, गुणनखंड भी उसमें नहीं था, ठीक है, फैक्टर्स वहाँ पे नहीं था। तो युगपत सॉल्यूशन वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है सॉल्यूशन वाले, अनुपात एवं समानुपात ये भी नहीं था, केवल द्विघात समीकरण यहाँ से मैचिंग कर रहा, अनुपात समानुपात नहीं था, संख्या पद्धति, समुच्चय संक्रियाएं ये था, ये हमारा हो रखा है, ठीक है, ये हमने उसमें कर रखा है। यानी कि डिफरेंस ऑफ सिलेबस मिल रहा है तो काफ़ी चीज़ें अब कराने वाला है। सारणिक्स में तो सारा है, ये तो सब मैच कर रहा है, ठीक है, सब मिस मैट्रिक्स, ये सब ए पी जी पी एच पी एंड प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, गुणनफल, क्रम से संचय, ये एंड प्रायिकता, यहाँ तक का जो पोर्शन है क्रैमर का ला इसमें कराना पड़ेगा, बस क्रैमर के ला के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्रैमर से ला, उस पर एक दो क्वेश्चन करा के इसमें छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, यूपी टीजीटी के लिए उसमें बना देंगे। बाकी जो पोर्शन है ये वाला इसमें हो रखा है, ठीक है, ये एलटी में भी मैच कर रहा था। जो मतलब हम राउंड में ला रहे हैं, जो राउंड में ला रहे हैं, अरे ऊपर वाला जो हो चुका है वो राउंड में है, यहाँ पे मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं हुआ है, और ऊपर वाले में ये हुआ है, ठीक है, बाकी सब नहीं हुआ था, ये केवल क्रैमर के लाग एक अकॉर्डिंग कराना पड़ेगा, बाकी इसमें सब हो रखा है। यानी कि ये जो है ऑलरेडी हमारा हुआ हुआ है, ओके है, बता दी केवल ये ला नहीं है, ये हमको सिर्फ कराना है, ऊपर से काफ़ी चीज़ें करानी हैं जो छूटी हुई हैं, ठीक है, वो हमको ध्यान ही क्या क्या कराना है उस पर हम अलग से वीडियोस जल्दी से जल्दी बना के लगा देंगे। समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरीज में ये सेट रिलेशन फंक्शन में सभी चीज़ें आ गई थी, समूह समाकारिता आ गया था, लगभग लगभग ओके है, लॉग्रेंज पिरामिड तक ये ओके है। वास्तविक विश्लेषण में हमारा जो है वास्तविक विश्लेषण की अभिक्रियताएँ, गणनीय, समष्टि, ये थोड़ा सा हमको लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद सीक्वेंस वगैरह आ गया, ये सब हो रखा है। बोलजेनो बायस्टा प्रमेस, बोलजेनो बायस्टा प्रमेस नहीं कराई थी, नहीं करा रखी है, हो रखा है। विवृत समुच्चय वगैरह ये लगभग लगभग है, इसमें एक दो चीज़ें जो लगानी है तो हम सेट में ही लगा देंगे, सेट के साथ ही इसको लगा देंगे, ठीक है। एक आध चीज़ें हैं, विवृत समुच्चय, समाप्ति वगैरह, समुच्चय की गणना, बाकी इसमें सब हो रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौशिपर में अभिसारिता, ये सब है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में कराना पड़ेगा, त्रिकोणमिति उसमें काफ़ी कम थी, ठीक है। तो वृत्तीय माप, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, कोणों का योग, अंतर, ये पहले ही हमने त्रिकोणमिति इनइक्वालिटीज करा रखी थी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें मैच कर जा रही हैं, पर त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब करानी पड़ेंगी। तो त्रिकोणमिति में जो है अभी हमारा जो हुआ हुआ है या एलटी में जो हुआ है वो सिर्फ है इन्वर्स हमने कर रखा था, इन्वर्स हमारा हो रखा था, एलटी की हमने लगा दिया था, पर उसमें सिलेबस में नहीं था और वो आया भी नहीं। इन्वर्स प्रत्यफलन ये हमने कर रखा है वहाँ पे, वहाँ के प्ले लिस्ट में हमने ऐड किया था, जबकि हमारे पास यूपी टीजीटी के अकॉर्डिंग ही हमने किया था इसको, टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि समीक संख्याएँ, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिमांबर्स थ्योरम है, ये हमारा हो रखा है, इतना हुआ है, पर वो हाइट एंड डिस्टेंस नहीं हुआ है, ये कराना पड़ेगा। चर घातांकी फलन, वृत्तीय फलन, हाइपरबोलिक, ये बीएससी क्लासेस वाला जो था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में था, उसमें एलटी में था, वो इसमें हो रखा है, ओके पूरा है।
पाइथागोरस बोधायन ये जमयती करानी पड़ेगी। बोधायन पाइथागोरस पिरामिड वृत्त वृत्तखंड ये भाई वहाँ के सिलेबस में नहीं था, यहाँ की यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की बुक्स में चला करता ज्योमेट्रिक्स। तो ये टॉपिक यहाँ पे यूपी टीजीटी में आता है, कम्प्लीटली कराना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि निर्देशांक ज्यामिति की। निर्देशांक ज्यामिति जो एलटी में थी वो यहाँ पे कम्प्लीट कम्प्लीट मैचिंग कर रही है, पूरी पूरी मैच कर रही है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें अलग से पढ़ाना पड़े। गोला शंकु विलयन का ये सब दिया है ना, मानक समीकरण सेकंड ऑर्डर का, एंड 3D डायमेंशन में जो है 2D में जितना था वो सब है, ओके पूरा पूरा हो रखा है। जो LT में 2D एंड 3D है वो काफ़ी है, उसी से हमारा UPTGT में बात बन जाएगी, ठीक है। तो हमको जो जो चीज़ें करानी है, ज्योमेट्री से जैसे वहाँ पे करानी है, कुछ ऊपर का पोर्शन कराना है, त्रिकोणमिति में कराना है, तो वो हमको ध्यान है क्या क्या कराना है, वैसे हमने उसको राउंड कर दिया है, अलग कर दिया है। अब आता है कि अवकलन। अवकलन में हमने कुछ बना दिया था पहले, थोड़ा बहुत बाकी था, कुछ करा देंगे, यानी इंटीग्रेशन में कुछ हुआ था कुछ नहीं हुआ था, बट उसके आगे जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन से अगला वाला पोर्शन हो रखा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ में थोड़ा थोड़ा बाकी है, इस पर से काफ़ी हुआ है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन एडिंग करने होंगे, कर देंगे। एंड त्रिकोणमिति चर घातांक के लघुगण फलन के स्वर से खाएँ, तो जो हमको थोड़ा बहुत इसमें लगाना होगा लगा देंगे, ठीक है। लघुगण का ओके है। बाद आता है सदिश विश्लेषण वेक्टर्स, तो वही है वेक्टर्स ओके है, पूरा पूरा LT से मैच कर रहा है, जो LT में वेक्टर है वो यहाँ पे भी है। बात आती है स्थिति विज्ञान की। स्थिति विज्ञान भाई वहाँ पे थी ही नहीं, डायनेमिक्स भी नहीं थी, तो ये तो हमको करानी ही पड़ेगी, ओके बिल्कुल बिल्कुल करानी पड़ेगी, यानी LT के सिलेबस में ये बिल्कुल नहीं था, ना तो गति विज्ञान था ना ही स्थिति विज्ञान था, तो काफ़ी काम नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमको अलग से, मतलब जो कॉमन पार्ट है वो तो ले लिया जाए, ठीक है, जो यहाँ के सिलेबस में वहाँ में कॉमन मैच कर रहा है, तो उसको हम ले के प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में केवल डालना बाकी है, डाल दे रहे हैं थोड़ा 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 करके, और जो ये नहीं हुआ है इसको करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब था जो LT से और UPTGT LT मैथमेटिक्स, UPLT मैथमेटिक्स एंड UPTGT में क्या पोर्शन मैचिंग किया कर रहा है, मतलब कितनी वीडियोस मैच करेंगी, कितना जो नहीं मैच करेगा उसको हटा देंगे, और जो मैच करेगा उसको UPLT मतलब UPTGT मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में लगा दिया जाएगा, ठीक है। वो जल्दी ही जल्दी मैं करने वाला हूँ। और बाकी ये पोर्शन जो है जैसे कि स्टैटिक्स है ये है, एंड कुछ चीज़ें हैं उनको हम ओके कर दे रहे हैं, ठीक है। जो जो बचा है या स्टैटिक्स में कुछ बाकी है, गणित है, काम से मैच, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, शुरू से लेके चलते हैं, या एक यहाँ पे कराना है, और ठीक है बीज गणित में भी इधर भी कुछ काम है, और उसके बाद है समुच्चय वाले में, तो इसमें तो खैर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहुत है, ये हो रखा है, केवल क्रैमर्स कला कराना है, यहाँ पे केवल इसको कराना है क्रैमर्स कला, बाकी इधर त्रिकोणमिति तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति में तो हमको अभी इसमें यानी कि ज्योमेट्री कराना पड़ेगा, त्रिकोणमिति में काफ़ी काम है, ज्योमेट्री है एंड स्टैटिक्स है एंड डायनामिक्स है, तो थोड़ा सा मतलब है कुल मिला के मानिए कि 50 से 60 वीडियोस बनेंगी, वो भी कम से कम 15-15-20-20 मिनट वाली, और इतना काम इसमें करना होगा, ठीक है। तो ओके कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट अभी पोस्टपोन चल ही रही है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या है, सितंबर में थी हट गई क्या, भाई वो तो जुलाई में ही उसको पोस्टपोन हो गई थी, 12 जुलाई को उन्होंने सिलेबस चेंज किया था, और उस वजह से पोस्टपोन चल रही है, जैसे ही आएगी वो 1 से 2 महीने का टाइम ज़रूर देंगे, 2 महीने का टाइम ज़रूर देते हैं। तो हमारा जो काम है वो है कुल मिला के 15 से 20 दिन का, इससे ज़्यादा काम नहीं है, 50 वीडियो हैं डेली की, 3-3, 4-4 भी बनाएंगे तो भी निपट लेगा, और फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो एग्ज़ाम को जैसे ही देखेंगे हम तुरंत चालू हो जाएंगे, ठीक है। और 2 महीने का टाइम ज़रूर मिलेगा, 10 से 15 दिन में इसको ओके कर देंगे।